शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योति जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी चर्चा चल रही है हमारी लगन कुंडलियों के इष्ट ग्रह को लेकर, इष्ट देव को लेकर। कल तक मैंने जानकारी दी वृश्चिक लगन की कुंडली के बारे में कि हमारे कौन से इष्ट ग्रह होते हैं और कैसे उनकी पूजा उपासना करके हम अपनी जिंदगी को लाभान्वित कर सकते हैं। आज इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ प्रिय दर्शकों बात करता हूँ धनु लगन की कुंडली। धनु लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 9 नंबर लिखा है और 9 नंबर लगन कुंडली बृहस्पति देव का वो डिपार्टमेंट माना जाता है या धनु राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति देव माने जाते हैं। बृहस्पति देवता ने पंचम भाव का स्वामी मंगल देव को बनाया। मंगल देवता इस लगन कुंडली में पंचमेश माने जाते हैं। पंचम भाव, जिसके बारे में अब आप सभी अच्छी तरह से जान गए हैं, हमारे पेट का, हमारी संतान का, हमारे लव रोमांस का, हमारे अनसर्टेन गेंस का, मेमोरी पावर, विल पावर, माइंड स्ट्रेंथ का, सब चीज़ों का पंचम भाव माना जाता है। और मंगल देवता को 12वें घर का मालिक बनाया। 12वां घर विदेश यात्रा का, 12वां घर अस्पताल के खर्चे का, 12वां घर हमारे हस्बैंड वाइफ के पर्सनल टाइम का, 12वां घर हमारे अस्पताल के खर्चे के साथ साथ विदेश सेटलमेंट का भी माना जाता है। तो बृहस्पति देवता ने मंगल देव को पंचम भाव का मालिक बनाया और द्वादश यानी 12वें भाव का मालिक बनाया। तो धनु लगन की कुंडली में आपके इष्ट देव, इष्ट ग्रह बने मंगल देवता और बजरंग बली इस लगन कुंडली के इष्ट देवता माने जाते हैं, जो कि शिव जी के रुद्र अवतारों में आते हैं। हर धनु लगन की कुंडली वाले जातक को बजरंग बली की उपासना करना सदैव लाभान्वित होता है, चाहे आपकी महादशा अंतरदशा कोई भी चल रही हो, चाहे शनिदेव की 7.5, शनिदेव का टैया, शनिदेव की महादशा अंतरदशा, राहु केतु की महादशा अंतरदशा आपको सता रही हो, लेकिन बजरंग बली जो धनु लगन की कुंडली के इष्ट ग्रह और इष्ट देव माने जाते हैं, उनका पाठ करना सदैव आपको निकलने का रास्ता अवश्य देता है। बजरंग बली इस लगन कुंडली के इष्ट ग्रह माने जाते हैं। इनका पाठ करने से जितनी भी मुश्किलें होंगी वो दूर करने का रास्ता अवश्य ढूंढ लेती है। और कुछ ना भी हो जाए, हर धनु लगन वाले के लिए निवेदन करूंगा कि अगर सुबह नाश्ते से पहले हनुमान जी का हनुमान चालीसा ही पढ़ने की आदत डालें तो जितनी मर्जी खराब दशा चल रही हो, कहीं ना कहीं बचने का रास्ता आपको अवश्य देगी, आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार जरूर सिद्ध होगी। आइए प्रिय दर्शकों, हमारे इष्ट देव जो मंगल देव इस धनु लगन की कुंडली में बनते हैं, उनकी अलग अलग भावों में प्लेसमेंट से वो क्या रिजल्ट देते हैं, उसकी विस्तृत जानकारी आपको देता हूं। दर्शकों, अगर मंगल देवता लगन में ही बैठे हों, पंचमेश लगन में आ गया, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आ गया, तो अग्नि कारक ग्रह अग्नि राशि में आ गया, तो ऐसे जातक को गुस्सा नॉर्मल से ज्यादा आता है, पर्सनैलिटी ज़रूरत से ज़्यादा रोबीली हो जाती है, सामने वाले की बात पूर्ण सुनना भी वो पसंद नहीं करते, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, मेंटल स्ट्रेंथ के साथ साथ औलाद सुख से भी परिपूर्ण होता है, हायर एजुकेशन लेने वाला होता है। मंगल देवता इस लगन कुंडली में एक बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी बना देता है, वो किसी भी छोटी मोटी चीज़ से घबराता नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ से जो चौथे भाव पर दृष्टि डाली, मंगल देवता ने चौथे भाव पर दृष्टि डालकर माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान सारी सुख सुविधाओं से संपन्न करने पे मंगल की दशांतरा सदैव लाभान्वित होती। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि सातवें भाव पर डाली, सातवें भाव पर डाली हुई दृष्टि पार्टनरशिप के लिए अच्छा, डेली वेजेस के लिए अच्छा, दाम्पत्य सुख के लिए भी सदैव लाभान्वित होती है। यहाँ से मंगल देव ने आठवीं दृष्टि जो आठवें भाव पर डाली, क्योंकि मंगल देवता की भी प्रिय दर्शकों
तीन दृष्टियां होती हैं, जहां वो बैठे हैं अपने से चौथे घर पर पूर्ण असर डालते हैं, अपने से सातवें घर पर तो हर ग्रह असर डालता है और अपने से आठवें घर पर पूर्ण असर डालते हैं। तो मंगल देवता अगर आठवें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो अपनी बुद्धि बल से, अपने कर्म से, अपने हार्डवर्क से, अपने ज्ञान के चक्षु से, अपने एफर्ट से आठवें भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध कर देते हैं। अपने आप के रिजल्ट अच्छे करने में मंगल देवता की आठवें भाव पर डाली हुई दृष्टि भी आप को लाभान्वित करती। दर्शकों, अगर मंगल दूसरे भाव में बैठे हुए, दूसरे भाव में, यहां मकर राशि में मंगल देवता उच्च के हो जाया करते हैं, उच्च के मंगल देवता जब भी अपनी दशांतरा चलाएंगे सबसे ज्यादा लाभ आपको मंगल देव देंगे। परिवार पूर्णतः साथ देने वाला होगा, वाणी थोड़ी सी उग्र, रोबीली और अच्छी वाणी बोल करके दूसरे को इम्प्रेस करने वाला जातक अवश्य बनेगा, लेकिन वाणी सदैव अच्छी शुभ इसलिए बोलेगा, चाहे वो बोले अग्रेसिव टोन में ही, लेकिन दूसरा कभी इस जातक का बुरा नहीं मनाता। तो उच्च का मंगल देवता धन का आगमन कहीं ना कहीं से करवाता रहता है। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि चौथी पाँचवें भाव पर डाली तो पुत्र प्राप्ति का योग, पुत्र प्राप्ति के योग के साथ साथ मेंटल पीस को स्ट्रेंथ देना, मेंटल पीस बहुत ज़्यादा बनाना, मेंटल एनर्जी देना, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना, मेमोरी पावर को शार्प करना, विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर देना, लवर मास में कामयाबी दे देना, अनसर्टेन गेंस दे देने, तो पंचम भाव संबंधी भी सारे पॉजिटिव रिजल्ट मंगल देव अवश्य देते मिलेंगे। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि आठवें भाव पर डाली तो आठवें भाव संबंधी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट गेन करने में मंगलदेव सदैव सहायक होंगे। यहाँ से मंगलदेव ने आठवीं दृष्टि जो नवम भाव पर डाली तो भाग्य साथ देने वाला होगा, भाग्य साथ देने वाले के साथ साथ पिता की बहुत केयर करने वाले होंगे, धर्म को मानने वाले होंगे, धार्मिक यात्रा करने वाले होंगे, विदेश यात्रा करेंगे तो उसमें भी लाभ कहीं ना कहीं से अर्जित जरूर होगा। तो मंगल देवता अगर दूसरे भाव में बैठे होंगे तो थोड़ी सी एक वाणी उग्र करने के अलावा आपको सारे चौतरफा पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य देते मिलेंगे, और यही मंगल देवता इस कुंडली का स्तंभ बन जाता है, क्योंकि पुत्र प्राप्ति का योग भी वही देता है, परिवार को स्टेबल करने में, धन का आगमन लाने में भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, विदेश सेटलमेंट होने में भी सहायक होता है। दर्शकों, अगर मंगलदेव तीसरे भाव में पड़े हुए, तीसरा भाव मंगल देव का कारक भाव गिना जाता है, तीसरे भाव में पड़े हुए मंगल देवता जातक को पराक्रमी बना देते हैं, जातक मेहनत से नहीं घबराता, चाहे बुद्धि बल से करनी हो चाहे शारीरिक मेहनत करनी हो, तो जातक छोटे भाई बहन की केयर करने वाला होता है, छोटी मोटी यात्राएं करता है तो उससे भी लाभ अर्जित अवश्य कर लेता है। तो तीसरे भाव में पड़ा हुआ मंगल देवता तीसरे भाव को एक्टिवेशन मिला के तीसरे भाव संबंधी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देता है, लेकिन हम इसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये मेहनत और भागदौड़ का घर माना भी जाता है। अगर जातक की मेहनत और भागदौड़ बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उसे परेशानियाँ भी अवश्य होती। तो यहाँ से मंगल देव ने जितनी छठे भाव पर डाली हुई रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन से जीत दिलवाने में कहीं ना कहीं मददगार जरूर सिद्ध होता है। हाउस ऑफ कंपटीशन का भाव छठा माना जाता है। मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ना कम से कम जातक को कंपटीशन क्लियर करवाने में मददगार जरूर सिद्ध होती है कहीं ना कहीं। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली पिता की केयर करने वाला होता है, छोटी मोटी यात्राएं करने वाला होता है, धर्म को मानने वाला होता है, धार्मिक यात्राएं भी करने वाला होता है, विदेश यात्रा करके विदेश की सेटलमेंट की इच्छा भी अवश्य रख लेता। यहां से मंगल देव ने आठवीं दृष्टि जो दशम भाव पर डाली तो कामकाज मेहनत के साथ होता है, कामकाज मेहनती प्रवृत्ति का बना करके अपने कामकाज से कभी जल्दी पीछे नहीं हटता, अपना कामकाज पूर्ण किए बिना सांस नहीं लेता ऐसा जाता, क्योंकि मंगल का तीसरा कारक भाव होने की वजह से अगर दशम भाव पर दृष्टि बढ़ी तो वो कर्म की दृष्टि होगी, तो कर्म पर भाव पर दृष्टि डालकर जातक को कहीं ना कहीं कर्मशील बना देती है मंगल की डाली हुई दृष्टि, और जातक का कर्मशील होना सदैव उसे एडवांटेज देता। रात को 2 बजे भी आप आवाज लगाओ ये काम करने जाना है वो झट तैयार खड़ा मिलेगा, क्यों? क्योंकि कर्म गति से घबराने वाला नहीं। और तीसरा भाव मंगल का वैसे ही कारक भाव बन जाता, तो मंगल देवता तीसरे भाव में बहुत सारे स्पोर्ट्समैन की कुंडली में देखा गया, जो भागदौड़ ज़्यादा करते हैं, शारीरिक एफर्ट्स ज़्यादा करते हैं, ऐसी चीज़ों में मंगलदेव सदैव उन्हें लाभ देते हैं। दर्शकों, अगर मंगलदेव
चौथे भाव में पड़े हुए। चौथे भाव में पड़े होने से त्रिकोण का मालिक केंद्र में आ गया। चौथे भाव में पड़े होने से माता गाड़ी भूमि वाहन मकान सारी सुख सुविधाओं को लेने में संपन्न करने में सदैव जातक को एडवांटेज देते हैं। अगर किसी का मकान लेने वाला हुआ तो मकान में मदद जरूर करते हैं। माता से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। जमीन जायदाद खरीद कर अगर बेची जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है क्योंकि खाली प्लॉट मंगल माना जाता है, भूमि पुत्र मंगल को कहा जाता है। तो चौथे भाव संबंधी पूर्णता एडवांटेज के रिजल्ट मिलते हैं। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि सातवें भाव पर चौथी डाली तो पार्टनरशिप के लिए अच्छा, डेली वेजेस के लिए अच्छा और दाम्पत्य सुख के लिए भी बहुत ज्यादा लाभान्वित होता है। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, बुद्धि से जुड़ा हुआ काम करता है तो सदैव लाभ मिलता है, ज्ञान से जुड़ा हुआ काम करता है तो सदैव लाभ मिलता है, हार्डवर्क करके जो भी काम करेगा उसमें भी लाभान्वित होगा, कामकाज का नया रास्ता अवश्य खुलेगा, कामकाज में नए एडवांटेजेस अवश्य मिलेंगे। यहाँ से मंगलदेव ने जितनी दृष्टि ग्यारहवें भाव पर आठवीं दृष्टि डाली तो कहीं ना कहीं से धन का आगमन होता रहेगा, बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलेगी और छोटी मोटी यात्राएं अगर हुई या छोटी मोटी माफ कीजिएगा हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई तो वो दूर अवश्य हो जाएंगी। तो ग्यारहवें भाव पर डाली हुई मंगलदेव की दृष्टि मंगल की दशा अंतरदशा में सदैव आपकी इच्छा पूर्ति करने में भी लाभान्वित आपको अवश्य करेगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, अपनी पुरानी वाली कंडीशन याद रखिएगा कि मंगलदेव में डिग्री वाइज इतनी क्षमता अवश्य होनी चाहिए कि आपको रिजल्ट देने के काबिल हों। मंगल अस्त अवस्था हो गए, मंगल शून्य डिग्री हो गए, मंगल 29 डिग्री हो गए, मंगल ऐसी अवस्था में आ गए जहां वो रिजल्ट देने में सक्षम ही ना हो तो आपके रिजल्ट में वेरिएबिलिटी आएगी, आपके रिजल्ट में कमी भी आ सकती है। ये बात कुंडली टू कुंडली वेरी करती है कि मंगल देवता 25% रिजल्ट देंगे, 50 देंगे, 100% देंगे, कम रिजल्ट देंगे या बिल्कुल नील अवस्था में पड़े हैं, आपको रिजल्ट देंगे ही नहीं। तो किसी विद्वान की मदद ले लीजिएगा अगर पहली दूसरी बार आपको बात ये ना समझ में आए, ताकि आपको पता चले कि आपका ग्रह कितने अंश लेकर के बैठा है, कितना बलाबल लेकर के बैठा है, जिसके आधार स्वरूप आप ये निर्णय कर पाएं कि मंगल की दशांतरा आपको कितने प्रतिशत अब ये रिजल्ट देने वाली। तो प्रिय दर्शकों, मंगल देवता इस लगन कुंडली के अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं क्योंकि कुंडली का मूल त्रिकोण भाव बृहस्पति देव ने मूल त्रिकोण राशि मंगल की को दिया है। तो हर धनु लगन वाले जातक को हनुमान चालीसा रोज नियम में एक बार पढ़ना सदैव लाभान्वित होता है। जितनी मर्जी खराब ग्रह की दशा चल रही है, आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, सिर्फ अपना लगन पता हो कि आपका लगन धनु है तो बजरंग बली की हुई उपासना जितनी मर्जी कष्टकारी दशा हो आपको निकालने का रास्ता अवश्य दे देगी, क्योंकि बजरंग बली ही आपके इष्ट ग्रह माने जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैं पहले भी आपको बताता आया हूँ, आप ये प्रोग्राम YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते थे कि कभी लाइट की प्रॉब्लम आती है, आजकल तो सर्दियों में भी लाइट जा रही है, लाइट की प्रॉब्लम, कभी केबल की प्रॉब्लम, कभी टाइम की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप ये प्रोग्राम डेली का YouTube के माध्यम से भी वॉच कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। जिनका भी मंगल बहुत ज़्यादा बिगड़ा हो या धनु लगन की कुंडली हो, उनको पता हो कि उनकी धनु लगन की कुंडली है, हर धनु लगन के जातक को मंगलवार को बजरंग बली के आगे माथा टेकने की आदत अवश्य बना लेनी चाहिए। मंगलवार को स्पेशली मंदिर जाया जाए, मंगल देवता के लिए बजरंग बली को प्रसाद चढ़ाया जाए, मंगल देवता का हनुमान चालीसा रोज पढ़ के उनके आगे नमन किया जाए। वो किया हुआ पाठ पूजन, मंगल देवता के किया हुआ नमन, मंगलवार को गया आपका जाया हुआ मंदिर में विजिट किया हुआ परमात्मा के आगे हाथ जोड़ के नमन किया हुआ श्रद्धापूर्वक उनसे सुखना मांगी हुई आपको बचने का बहुत बड़ा रास्ता देगी, क्योंकि हर धनु लगन के लिए जातक के लिए मंगलदेव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वैसे भी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शनि राहु केतु का जितना मर्जी पाप प्रभाव हो, अगर बंदा बजरंग बली का ही पाठ शुरू कर देता है तो शनि राहु देवता का पाप प्रभाव जरूर कम होने का रास्ता आपको दे देता है, वो कम होकर के आपको जीवन यापन करने में मददगार जरूर सिद्ध होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।
है।